Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो गुड मॉर्निंग क्लास। तो उसी के सीरीज में ये नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम डिजिटल वोल्ट मीटर सिस्टम, ठीक है। अब डिजिटल वोल्ट मीटर सिस्टम्स में क्या होता है? डिजिटल वोल्ट मीटर सिस्टम्स में आपके यूज होते हैं बेसिकली डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। तो इसमें आपके जो कंपोनेंट्स आता है वो होता है आपका डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक। डिजिटल मल्टीमीटर। अब डिजिटल मल्टीमीटर का आपका क्या काम है? डिजिटल मल्टीमीटर का आपका काम है एसी या डीसी वोल्टेज को नापना, या एसी या डीसी करंट को मेजर करना, या रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करना, ठीक है। तो डिजिटल मल्टीमीटर का आपका मोस्टली तो काम यही है। इसमें दो टर्म है, एक तो डिजिटल, दूसरा मल्टीमीटर। दो टर्म है ना आपके। तो डिजिटल क्या हुआ? जो आपको डिजिटल फॉर्म में जो एक वैल्यू को, जैसे एनालॉग वैल्यू थे जिसमें पॉइंटर्स यूज होते थे, ठीक, डिजिटल का क्या फॉर्म है, आपको किसी भी वैल्यू को डिजिटल फॉर्म में, मतलब 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपको उस वैल्यू को प्रोवाइड करे, ठीक। मल्टीमीटर का आपका क्या काम है? दोनों टर्म्स अलग अलग है। मल्टीमीटर का काम है कि कई क्वांटिटीज को एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना, जैसे एसी या डीसी करंट को मेजर करते हैं, एसी या डीसी वोल्टेज को भी आप मेजर करते हैं, प्लस रेजिस्टेंस को भी आप मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म्स मिलके क्या बन रहे हैं? डिजिटल मल्टीमीटर। मतलब आपने जो भी वैल्यू मेजर की, इस करंट की, वोल्टेज की, रेजिस्टेंस की, ठीक, उसको क्या कर रहा है? डिजिटली फॉर्म में आपको एज अ आउटपुट के तौर पे वो शो कर रहा है, मतलब वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है किसमें? 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। डिजिटल आ गया ना, पहले एनालॉग था तो वो पॉइंटर के रिस्पेक्ट में रहता था। हम लोग पॉइंटर को देखते थे कि कितने पॉइंटर पे है, कितने, मतलब किस खाने में है या किस पॉइंट पे है, वैसे करते थे ना। एनालॉग और डिजिटल में ये अंतर होता है, ठीक। तो डिजिटल मल्टीमीटर आपका मोस्टली यही होता है, ठीक है। अब डिजिटल मल्टीमीटर हो गया। अब हम इसको अगर हम लोग मल्टीमीटर देख लें, अब प्रेजेंट में तो नहीं है, पर आप मल्टीमीटर की देख लीजिए। ये होता है आपका LCD स्क्रीन, ठीक, जहां पे आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले मिलते हैं। यहां होता है आपका रोटेटरी नॉब, होता है रोटेटरी नॉब जिसके थ्रू आप अपना सेट करते हैं। अब यहां पे कुछ खाने डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया आपका डीसी वोल्टेज के लिए, ठीक है, जिसका साइन इस तरह दिया रहेगा। ये हो गया आपका एसी वोल्टेज, ठीक। ये हो गया आपका, मान के चलिए, रेजिस्टेंस, ओम, ठीक। ये हो गया आपका डीसी करंट के लिए, ये हो गया आपका एसी करंट के लिए, ठीक, साइनोसाइडल बना रहेगा इस पर, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 3 पोर्ट होते हैं, ठीक। एक पोर्ट होता है आपका 10 एम्पियर का, एक पोर्ट होता है आपका पॉजिटिव, और एक होता है आपका कॉमन या नेगेटिव पोर्ट, ठीक है। बेसिकली मल्टीमीटर आपका जो होता है वो इसी तरह रहता है, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा रहता है इससे देखने में, ठीक है। तो इसको देखिए, अब आपका क्या है यहाँ पे, पहले तो आपका ये आ गया एलसीडी, एलसीडी आ गई, ठीक। एलसीडी में आपके क्या होते हैं? टोटल 5 वैल्यूज होते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, 5 वैल्यूज होते हैं जिसको हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्लेसेस आपके LCDs में होते हैं, शो करते हैं जिसमें, जिसमें क्या होता है आपका पहला प्लेस किसके लिए होता है? पहला प्लेस होता है आपका साइन को शो करने के लिए, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव रहेगा तो माइनस आ जाएगा शो करके।
पॉजिटिव है तो कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक। पहला होता है किसके लिए, साइन के लिए, साइन, साइन शो करता है पॉजिटिव है कि निगेटिव वैल्यू है, ठीक। अब आइए दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अरे हाँ दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये ब्लॉक किसके लिए यूज होते हैं, ये होते हैं आपका 0 to 9 वैल्यू को शो करने के लिए। ठीक, इसमें क्या होता है आपके 7 सेगमेंट डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है, प्लस ये आपको 0 से लेके 9 तक की वैल्यू इसमें प्रोवाइड करता है। जितनी भी वैल्यू आप वहां नाप रहे हो, जो भी आप मेजर कर रहे हो, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले में शो करेगा। 7 सेगमेंट डिस्प्ले जानते हैं आप लोग, इस तरह में रहता है, रहता है, देखा होगा आपने डिजिटल मल्टीमीटर में। ठीक, 7 सेगमेंट डिस्प्ले हुआ कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 सात रहते हैं। अब जो वैल्यू रहेगा, अगर 9 लिखना है तो ये वाली बन गई 9 बन गया, 8 रहेगा तो 8 पूरा है, 0 है तो 0 बन गया। ठीक, इसी तरह वैल्यू क्या करता है, ये आपको 0 से 9 के बीच में टोटल 5 पोर्ट, मतलब 5 उसमें प्लेसेस होते हैं। 5 प्लेसेस में पहला प्लेसेस होता है सबका साइन का, जिसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये शो होगा, प्लस दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे में आपका 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू आपको उसमें शो करती है, किसके रिस्पेक्ट में, 7 सेगमेंट डिस्प्ले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका LCD। ठीक, अब आइए आपने ये आप नॉब जिसे कहते हैं स्विच, रोटेटरी नॉब, रोटेटरी नॉब का क्या काम है, रोटेटरी नॉब का क्या करता है, ये हमारे सिलेक्शन के हिसाब से, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमें डीसी वोल्टेज मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, नॉब को घुमा के किस साइड ले जाएंगे, डीसी की तरफ, डीसी वोल्टेज की तरफ हमने ले गए नॉब घुमाए। ठीक, अब ये क्या करेगा, हमने यहां से इसको पॉजिटिव से कनेक्टेड किया सर्किट को, जिसके भी बीच का हमको डीसी वोल्टेज निकालना है, और हमने एक कॉमन जिसको नेगेटिव है, हमने इसको नेगेटिव से शो किया। पॉजिटिव आपकी हमेशा रेड वायर होती है और नेगेटिव वाली हमेशा आपकी ब्लैक वायर होती है, ठीक है, वो बेसिक चीज है। तो इस क्या होगा, ये क्या करेगा, हमारा डीसी वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक है, करेगा। जब हमने नॉब को क्या किया, रोटेटरी नॉब है जिसको हम लोग अपने सिलेक्शन के हिसाब से, मतलब हमें जो चीज मेजर करनी है, हमें वोल्टेज मेजर करना है तो हम लोग ने इसको वोल्टेज की तरफ घुमा दिया, एसी वोल्टेज मेजर करना है तो हमने इसको एक और बार घुमा दिया, यहाँ पे ले आए। ठीक, अब इसमें भी यहाँ पे स्केलिंग होती है, इसमें भी स्केलिंग होती है कि कितने वैल्यू तक में आप इस नॉब को घुमा रहे हैं। अगर आप मान के चलिए, अगर आपने इसकी वैल्यू आपने 100 वोल्ट पे आपने इसको सेट किया, हम लोग के घर में आते हैं नॉर्मल, हम लोग सबके घर में 220 वोल्ट जो स्टैंडर्ड होता है, 220 वोल्ट आता है। अब हमने क्या किया, इसके नॉब को 100 वोल्ट पे सेट कर दिया, तो ये क्या करेगा, अगर हम लोग अपने घर की वैल्यू वोल्टेज मेजर करेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू मेजर नहीं हो पाएगी। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे कहां तक, अगर 300 भी है इसके अंदर तो हम लोग 300 तक पे इसको वोल्टेज पे सेट करेंगे, डीसी पे नहीं, एसी पे, हम लोग के घर में एसी वोल्टेज आता है। ठीक, तो ये नॉब को हम लोग एसी पे ले आएंगे, ठीक है, हमने एसी पे ले आए, हमने 300 पे इसको सेट कर दिया। जब हमने नॉब को 300 पे सेट किया और जब हमने अपने घर में वोल्टेज नापा, तो जो वोल्टेज जो हमारे घर में जितना भी आ रहा हो, स्टैंडर्ड तो होता है हमारा 220 वोल्ट, और प्रॉपरली 220 तो आता नहीं है, कुछ वेरी रहता है, सिंपल चीज है, वेरी करेगा ही करेगा, ठीक है, प्रॉपर कभी नहीं आता। ठीक, तो कभी 230 हो गया, 210 हो गया, 215, 212, 214, एज उनका अपने लोड के हिसाब से वो वेरी करता रहता है। क्यों, क्योंकि उससे अब कितने, अब एक ट्रांसफार्मर से कितने लोग कनेक्टेड होंगे, सबका लोड अलग अलग अलग, लोड किसी का बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसके हिसाब से आपके वोल्टेज में भी असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोटेटरी नॉब का काम। एसी वोल्टेज नाप लिया, रेजिस्टेंस नाप रहे, हमने रेजिस्टेंस की तरफ घुमा लिया, इसीलिए क्यों, क्योंकि रोटेट कर सकते हैं हम इसको, रोटेटरी नॉब इसीलिए हम इसको कहते हैं। डीसी करंट नापना है, एसी करंट नापना है, ये हो गया हमारे। ठीक है,
अब इसमें आता है हमारा एक पोर्ट हमारा रहता है 10 एम्पियर का, ये जो हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करना होगा ना, जब तब हम लोग इस पोर्ट में हम लोग ये पॉजिटिव वाली जो तार होती है वो हम लोग इस पोर्ट में लगाते हैं, जहां हम लोग को 10 एम्पियर से अधिक करंट मेजर करनी होती है, 10 एम्पियर तक की, ठीक। और एक तो कॉमन तो है ही हमारा बेचारा ब्लैक, एक तो हमारा यहाँ लग गया, एक हमारा 10 एम्पियर में कनेक्ट हुआ, ठीक। पॉजिटिव ब्लैक जो रेड वायर होती है आपकी, आपने पॉजिटिव में कनेक्ट की, ठीक है, आपने यहाँ पे रोटेट घुमाया, रेजिस्टेंस पे किया, प्लस आपने यहाँ पे रेड वायर लगाई, कॉमन वायर मतलब नेगेटिव में आपने ब्लैक वायर लगाई और डायरेक्ट आपने रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे टच किया, जिससे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू शो हुई एलसीडी पे, ठीक है। तो ये थे हमारे सबके अलग अलग वर्किंग, डीसी करंट के लिए, एसी करंट के लिए 10 एम्पियर हो गया, पॉजिटिव हो गया, कॉमन पोर्ट हो गया आपका नेगेटिव में, डीसी वोल्टेज भी हो गया, एसी वोल्टेज भी हो गया, रेजिस्टेंस भी हो गया, ओम में रहता है आपका, एलसीडी हो गई, नॉब हो गए, प्लस ये स्केलिंग हो गई, ठीक है। आपके पूरे डिजिटल मल्टीमीटर में यही पूरा बेसिक चीज इतनी रहती है, ठीक है। अब इसका अब हम लोग ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने वोल्ट मीटर का भी हम लोगों ने देखा कि बाहर से वो कैसे दिखता है टोटल पूरा, ठीक है, बाहरी चीज हमने उसकी देखी पूरी, बाहर से ब्लॉक आपका वोल्ट मीटर कैसे दिखता है। अब आते हैं हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर पे, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम ऐसा कैसे बनता है, इसमें आपका होता है एक कॉन्स्टेंट करंट सोर्स, ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्स्टेंट करंट सोर्स, जिससे क्या कनेक्टेड है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, ये हो गया आपका किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, ये हो गया आपका किसका, रेजिस्टेंस का, ये है आपका नॉब, ठीक, और प्लस ये हो गया आपकी पॉजिटिव सप्लाई और ये हो गया आपकी नेगेटिव वाली, ठीक। अब क्या होगा, कांस्टेंट करंट सोर्स से हमारा क्या कनेक्टेड रहेगा, बफर एम्पलीफायर, ठीक है। अब दूसरा है हमारा क्या, तीसरा हो गया ठीक, ये हो गया हमारा क्या, एसी वोल्टेज, ये हो गया हमारा एसी करंट, ये हो गया हमारा डीसी करंट, ये हो गया हमारा डीसी वोल्टेज, ठीक है। इसमें होता है हमारा कैली रेटेड अटेन्यूएटर, ठीक, करंट पे है तो करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, ठीक है, उसी तरह ये भी करंट है तो ये भी होगा क्या, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, ठीक। अब फिर डीसी आ गया तो इसमें क्या यूज होगा, कैलिब्रेटेड अटेन्यूएटर, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपकी अभी आधा ब्लॉक डायग्राम। अब ये तो चला गया आपका डायरेक्ट डिजिटल में, ये चला गया आपका किसमें, रेक्टिफिकेशन में, ठीक है, करंट वाला है ना। उसके बाद ये चला गया आपका किसमें, एनालॉग टू डिजिटल
डिजिटल कन्वर्टर में। ठीक है, ये हो गया आपको किसमें गया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। इसके बाद ये गया आपका डिजिटल काउंटर सर्किट में। ठीक, ये चला गया आपका किसमें, डिजिटल काउंटर सर्किट में। अब इस ये किससे कनेक्टेड रहेगा, सेवन सेगमेंट डिस्प्ले में। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया आपका डिजिटल वोल्ट मीटर का पूरा पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब इसमें हम देखिए क्या है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या यूज हो रहा है, शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले तो आपका हो गया ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्ट बताए थे आपको, बताए थे पॉजिटिव पोर्ट्स हमेशा किससे कनेक्ट रहेगा, आपके रोटेटरी नॉब से। क्यों, क्योंकि रोटेटरी नॉब से आप इसको क्या कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, रेजिस्टेंस नापना है आपने इस पे वेरी किया। ठीक, अब हमको करंट नापना है तो हमने करंट उठा के इसको एसी करंट नापना है तो हमने 3 पे ले गए। ठीक है, डीसी करंट नापना है हमने 4 पे ले गए नॉब, पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्ट हो गए आपके। ठीक, जिससे हम लोग कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव पोर्ट आपका कॉमन पोर्ट था मल्टीमीटर में। ठीक है, अब आइए अब हमको रेजिस्टेंस नापना है, रेजिस्टेंस नापना है तो हमने इसको रेजिस्टेंस पे किया। ठीक, ओम पे, अब कांस्टेंट करंट सोर्स इसको मिल रहा है, ये क्या करता है एज अ वोल्टेज नापता है ना। ठीक, एज अ वोल्टेज नापता है ना उस पीस का, तो ये क्या करेगा, बफर एम्पलीफायर में जाएगा, उसको उसकी जो रीडिंग है उसको एम्पलीफाई करेगा, जो एम्पलीफाई हुई वो किसमें गई, इसकी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। ठीक है, तो उसने क्या किया, एनालॉग फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एनालॉग फॉर्म को जब उसने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो इसने क्या किया, डिजिटल काउंटर सर्किट को आगे एज अ इनपुट के तौर पे दिया कि हाँ भैया यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। डिजिटल काउंटर सर्किट ने क्या किया, उसको डायरेक्ट आपको सेवन सेगमेंट डिस्प्ले में मेजर कर दिया कि हाँ इतनी वैल्यू हमको प्रोवाइडेड हुई। दूसरा है आपका ये एसी वोल्ट मीटर, अब हमें एसी वोल्ट वोल्टेज नापना है, किसका, एसी वोल्टेज नापना है वो भी, तो हमने क्या किया, नॉब को दूसरे पे लेके गए। ठीक है, ये हमारा नॉब स्विच है, रोटेटरी नॉब जिसको हमने बताया था। ठीक, एसी वोल्ट मीटर पे हमको वोल्टेज नापना था, एसी पे लेके गए, वो क्या कर रहा है, कैलिब्रेटेड अटेन्यूएटर में जा रहा है। ठीक है, वोल्टेज अब ये क्या कर रहा है, उसको अटेन्यूएट करके रेक्टिफिकेशन में भेज रहा है। रेक्टिफिकेशन में क्यों भेज रहा है, क्योंकि एसी है ना, तो ये क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जब ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि यहां से तो एसी सप्लाई ले रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो जब हम लोग एसी सप्लाई ले रहे हैं तो एसी को क्या करेगा, कैलिब्रेट अटेंडेड उसको अटेन्यूएट करके रेक्टिफिकेशन के लिए भेजेगा। रेक्टिफिकेशन क्या करेगा, उसकी एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। जब वो डीसी में इसको कन्वर्ट कर देगा तो ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा किसको, फिर से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा, फिर से वही प्रोसेस, एनालॉग फॉर्म को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। जो कन्वर्ट करेगा उसने आउटपुट किसको दिया, डिजिटल काउंटर सर्किट को। डिजिटल काउंटर सर्किट ने एज इनपुट के तौर पर उसको लिया कि हाँ कितनी मतलब वैल्यू मेजर हो रही है, उसको उसने डिस्प्ले किया किस पे, सेवन सेगमेंट डिस्प्ले पे। उसी तरह अब हमने क्या नापना है, हमको एसी की करंट नापनी है, हमने रोटेटरी नॉब 3 पे घुमाई। ठीक, अब एसी करंट नापनी है तो किसमें गया, तो करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर में। ठीक है, क्योंकि हमको तो आगे वोल्टेज के फॉर्म में चाहिए ना वो चीज, हमको तो यहाँ से जो जा रहा है उसको ये वोल्टेज नाप रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हमको यहाँ पे इसने क्या किया, करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट किया। तो जब हमने करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट किया, फिर से इसने रेक्टिफिकेशन में किया, क्यों, क्योंकि एसी है, एसी सप्लाई है। ठीक है, एसी सप्लाई को उसने डीसी में बदला रेक्टिफिकेशन ने,
रेक्टिफिकेशन ने, फिर जब डीसी को बदल दिया तो उसने फिर से एनालॉग में गया, डिजिटल में, एडीसी में गया, एडीसी ने फिर डिजिटल को दिया, फिर उसने सेवन सेगमेंट डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया आपको। यही सेम प्रोसेस आपका डीसी के साथ भी है। डीसी करंट है, आपने क्या किया, रोटेटरी नॉब को चार पे कर दिया। अब डीसी नॉब पे गया, डीसी करंट पे गया, डीसी करंट आई तो करंट आ गया, तो करंट को वोल्टेज में पहले कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर लगा के। तो जब करंट टू वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, इसने डायरेक्ट डीसी करंट है तो उसको तो कोई काम ही नहीं रेक्टिफिकेशन के लिए, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। तो क्या करेगा, ये डायरेक्ट उठा के एडीसी में चला जाएगा, एडीसी से डेटा सर्किट में, काउंटर में, और वो आपको डिस्प्ले कर देगा। उसी तरह ये हो गया आपका डीसी वोल्टेज नापने के लिए। डीसी वोल्टेज में गया, कैलिब्रेटर अटेन्यूएटर से इसने डायरेक्ट अटेन्यूएट किया, इसकी वैल्यू को रीडिंग की, वैल्यू की, वोल्टेज कितनी मेजर की, इसने उसको डायरेक्ट उठा के एडीसी में भेजा। एडीसी ने क्या किया, उसको एज अ इनपुट के तौर पे लिया और उसको कन्वर्ट किया, एनालॉग फॉर्म को इसने डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब डिजिटल में कन्वर्ट किया, फिर से इसने डिजिटल काउंटर को दिया और सेवन सेगमेंट डिस्प्ले आपको प्रोवाइड हो गया, ठीक है। तो ये था डिजिटल वोल्ट मीटर सिस्टम का पूरा ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम आगे बढ़े। अब आगे में हमको क्या था, अब इससे हम लोग ने क्या क्या मेजर कर रहे थे वोल्ट मीटर से। पहला तो हो गया हमारा करंट, ये हम करंट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, एसी करंट मेजर कर रहे हैं, डीसी करंट मेजर कर रहे हैं। उसी तरह करंट मेजर करने के लिए क्या था, देखिए जब भी बेसिकली या तो आप उसको उससे मेजर करिए, क्या नाम है, ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR। अब हम लोग को रेजिस्टेंस मेजर करना है तो R इज इक्वल टू V बाई I, करंट मेजर करना है I इज इक्वल टू V अपॉन R, और V इज इक्वल टू IR तो डायरेक्ट है, ये है ना। वोल्टेज नापना है, V इज इक्वल टू IR डायरेक्ट आ रहा है, वही कन्वर्ट कर रहा है। रेजिस्टेंस नापना है, वोल्टेज अपॉन करंट, करंट नापना है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या शो हो रहा है डिजिटल वोल्ट मीटर से, कि ये करंट नाप रहा है एसी डीसी दोनों, वोल्टेज नाप रहा है एसी डीसी दोनों, प्लस हमारा रेजिस्टेंस को भी नाप रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा डिजिटल वोल्ट मीटर सिस्टम, ठीक है। तो और डिजिटल वोल्ट मीटर सिस्टम का ये पूरा ब्लॉक डायग्राम प्लस इसके वर्किंग, कैसे काम करता है ये डिजिटल वोल्ट मीटर सर्किट, ठीक। अब इसी के पैरेलल में आता है आपका डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।